व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, जिंदगी में दो तरीके के इंसान आप लोगों को मिलेंगे। एक तो वो होते हैं जो बोलते हैं कि यार अभी टाइम है, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, फिर जिंदगी भर हम लोगों को एंजॉय करना है। एक वे होते हैं कि यार थोड़ा अभी इंजॉय कर लेते हैं। जो अभी इंजॉय करने वाले इंसान होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि जिंदगी भर उनको क्या करना है। यानी कि जिंदगी भर एक फ्रस्ट्रेशन का जोन रहता है और वो उसी में अपनी जिंदगी पूरी काट देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये स्टेटमेंट याद रखेगा, जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी तो उदास मत होना। बस ये याद रख लेना कि मुश्किल रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली यहाँ पर यह ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ये मूवी आ रही है, इसमें तो मैं इंटरव्यू सुना था यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि जो इन्होंने कपड़ा पहना है ये बहुत ही हैवी कपड़ा था, और नॉर्मली इस तरीके के कपड़े पहनकर और इस एज में ऐसा कॉस्ट्यूम लगाकर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये करना है, पर फिर भी इन्होंने वो किया और ये बहुत शानदार तरीके से इसको कंप्लीट करके ले गए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जिस तरीके से आप लोगों को पता है इनको बीमारी भी है, तो इस तरीके के कई ऐसे शॉट भी आए जो ये एक तरीके से कई बार काफी प्रॉब्लम में भी आ गए, पर लेकिन पता था कि ये कितने शानदार एक्टर हैं कि हाँ ये इस रोल को करके ले जाएंगे, इसीलिए ये रोल इनको दिया गया, वरना किसी दूसरे एक्टर को भी दिया जा सकता था, क्योंकि यकीन था कि हाँ ये इंसान ये रोल करके ले जाएगा, ये इतना मेहनती है बंदा, ये इसको बहुत शानदार तरीके से बखूबी निभाएगा, तो इसीलिए ये रोल इनको दिया गया। तो इसी तरीके से अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कभी भी उस टाइम पर रुकिए, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है मेरे अंदर जो लोगों से अलग है, इसीलिए ये रोल मुझे दिया गया और मुझे अब ये कितने शानदार तरीके से परफॉर्म करना है, इस बात पर ध्यान देना है, ना कि इस बात पर कि भगवान मेरे साथ ही क्यों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं कहते हैं कि मैं ही क्यों, तो ये बोले कि थैंक्स मुझे ट्राई करने के लिए। इसी के बाद में आप लोगों का एक शानदार वर्जन निकल के आएगा, आप लोग पहले से एक अपडेटेड वर्जन में रहेंगे। यानी कि अगर 4G टेक्नोलॉजी पर आपकी बॉडी अभी चल रही है तो इस प्रॉब्लम से निकलने के बाद में आप लोग 5G पे काम करने लगेंगे। तो इस तरीके सोचिए और पॉजिटिवली इंजॉय कीजिए। तो आज है संडे, संडे हो या मंडे थोड़ा पढ़ाई कर लिया कीजिए, कम से कम अपना 6 से 8 घंटे तो आप लोगों को डेली पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो उठने का शेड्यूल है उसमें कोई भी चेंज आप लोगों का नहीं आना चाहिए, यानी कि जो मॉर्निंग में अगर आप लोग उठ रहे हैं, भले ही आप लोगों को किसी दिन पढ़ाई नहीं करनी उठ के, पर लेकिन उठिए जरूर, ये आप लोगों को अपनी आदत बनानी है। तो आदत तभी बनेगी जब आप लोग कोई काम कंटिन्यूअस करते रहेंगे, ओके। तो आज है 14 अक्टूबर, देख लेते हैं हम लोगों को PIB ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज़पेपर के आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस करना है, काफी कुछ शानदार है डिस्कस करने के लिए। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में, ये है सेलिब्रेट किया जाता है ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। देखिए, एक तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि है क्या, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अगर आप लोगों ने कभी खुले आकाश के नीचे छत पर आप लोग रात को सोए होंगे तो आप लोगों को कभी ना कभी बहुत सारी ऊंचाई पर और बहुत सारा पक्षियों का झुंड एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि इतना ऊंचाई पर वो रहता है, जो नॉर्मल ऊंचाई पर पंछी उड़ते हैं वो उससे बहुत ऊपर रहता है, ये आप लोगों को नजर आएंगे। ऐसे पक्षी होते हैं जो सीजन चेंज होने पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। आप लोगों ने कई सारे पर्सन के बारे में सुना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड भी कुछ ऐसी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है सीजन चेंज होने पर, टेम्परेचर चेंज होने पर, या फिर ऐसी फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के लिए कि ताकि वो जिंदा रह सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो ये एक होता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 2nd सैटरडे हर अक्टूबर के, मतलब हर साल के अक्टूबर को 2nd सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है ये। और इस बार का 2nd सैटरडे कब था? ये था 13 अक्टूबर को। तो इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है ये 13 अक्टूबर यानी कि कल सेलिब्रेट किया गया है। एम क्या रहता है? एम सीधा सीधा ये रहता है किस तरीके से लोगों के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि हाँ भैया ये पक्षी हैं, इस तरीके से आते हैं, और जो भी इनका जिस जगह पे ये आते हैं, कई सारी लेक के नाम आप लोगों ने सुने होंगे कि हाँ यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दिल्ली में भी एक लेक है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि छोटे छोटे एरिया हैं, कई सारे एरिया आप लोग बता सकते हैं अगर आसपास आपके स्टेट में कोई ऐसी झील है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां माइग्रेटरी बर्ड आती है। हरियाणा में है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसके बारे में भी। तो ये माइग्रेटरी बर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पर आती है सीजन चेंज होने पर, लेकिन आज की डेट में झील वगैरह खत्म होती जा रही है जहां जिसकी वजह से माइग्रेशन करती है, पर्टिकुलर जो हैबिटेट रहता है जहां पर ये आती है वो एरिया खत्म होता जा रहा है डेवलपमेंट की वजह से। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो इनके बारे में सोचना होगा। तो थीम भी इस तरीके की रखी गई यहां पर, ये बोला गया यूनिफाइंग अवर वॉइस फॉर बर्ड कंजर्वेशन। तो जो भी यहां पर हमारी वॉइस है वो इकट्ठी होकर एक साथ में आनी चाहिए जब बात करते हैं बर्ड को कंजर्वेशन की, यानी कि अपने अपने ही बारे में नहीं सोचना है, पक्षियों के बारे में भी सोचना है।
अब आज की दुनिया में एक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, पक्षी एक ऐसी चीज रह गई है जो कभी किसी कोई बाउंड्री से नहीं बंधे हुए हैं। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के पक्षी हैं और ये इंडिया के पक्षी हैं, सुना आप लोगों ने कभी? तो ये काफी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसलिए एक गाना है, बड़ा शानदार लगता है, पंसी नदियां पन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो क्या पाया हमने और तुमने इंसानों के। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो कम से कम अब इनको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आज के डे के बारे में। आज है 14 अक्टूबर, आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मान लीजिए 1 मीटर आप लोगों ने कोई कपड़ा लिया, ठीक है, तो वो 1 मीटर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे अपनी कंट्री में चले जाइए चाहे आसपास किसी कंट्री में चले जाइए आप लोग। तो इसकी किसकी वजह से है? ये है कुछ ऐसी चीजों की वजह से कि हाँ, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या वर्ल्ड के लोगों के द्वारा इकट्ठे हो गए, या फिर आप लोग बोलिए वर्ल्ड के साइंटिस्ट के द्वारा इकट्ठे हो गए। कुछ ऐसे पैमाने तैयार किए गए हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग कहीं भी चले जाएं, अगर 1 मीटर इतना होता है तो वो 1 मीटर इतना ही दिखेगा आप लोगों, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस दिखेगा, वरना आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड इतना ही नजर आएगा। इसी की वजह से आज की डेट में अलग अलग लेवल पर व्यापार किए जाते हैं, तो आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो आप लोगों को हर जगह ऐसी ही नजर आएंगी। तो इसका फायदा क्या है? इसका ये फायदा है कि ट्रेड भी आज के डेट में आराम से हो जा रहा है। ग्लोबलाइज्ड जो वर्ल्ड बन गया है, अगर यहां पर कुछ अलग होगा सिस्टम और वहां पर कुछ अलग होगा, हमारी कंट्री में आकर वो यूज ही नहीं हो पाएगा, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया कि हाँ, इस तरीके से यहां पर है, मान लीजिए ये है एक, ठीक है, ये एक ताली है जो कि आप लोगों को पेंच खोल लेगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है एक अलग तरीके के पेंच तैयार होने लगे, और हम लोगों ने ताली मान लीजिए जर्मनी से खरीदी, और वहां पर इस तरह पेंच ही ना बनते हो, तो हम लोग इस तरीके की जो ताली होती है, ये जो भी आप लोग इसको बोले, तो इस औजार का हम लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे जर्मनी के साथ में। तो किस लिए कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अगर हम लोगों को देखने को मिले तो एक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर इस तरीके लेवल की चीजें यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा समझ सकते हैं। एम क्या है? एम यही है कि किस तरीके से हम लोग एक तरीके से अवेयरनेस फैलाए जा सकते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर जो कंज्यूमर यानी कि जो इसको यूज कर रहे हैं उसके लिए भी, तो एक अलग ही स्टैंडर्ड निकल कर आए और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो मेंटेन रहे। यानी कि आप लोग कहीं पर जाएं तो आप, खासकर सिटीजन है जो अलग अलग कंट्री के, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो भी कम से कम उसी लेवल की चीजें वहां पर रह सके। तो 14 अक्टूबर को यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 14 अक्टूबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि 14 अक्टूबर 1946 में 25 कंट्री के जो लोग या फिर साइंटिस्ट आप लोग बोल सकते हैं, ये लंदन में इकट्ठे हुए और इन्होंने सोचा कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एक सिमिलर स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये यहां से निकल के आया, ठीक है। तो यहां से 25 कंट्री मिले 24 अक्टूबर को, तो तब से यहां पर इसको देखा गया कि हाँ, 24 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लंदन में मिले थे ये, तब इन्होंने डिसाइड किया क्या इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो अभी एशियन पैरा गेम चल रहे हैं, तो पोजीशन क्या है हमारी? ये है पोजीशन 9th, 15 गोल्ड हमारे पास में हो गए हैं, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो पोजीशन होती है ये गोल्ड के बेस पर ही डिसाइड की जाती है। जी हाँ, आप लोगों के पास में कितने गोल्ड है तो उसके बेस पर ये नॉर्मली डिसाइड की जाती है, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा भले ही दूसरे मेडल यहाँ पर दूसरी कंट्री के पास में ज्यादा हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, टोटल मेडल आप लोगों को जापान के ज्यादा नजर आएंगे यहाँ पर, लेकिन ऊपर कौन है? ऊपर आप लोगों को ईरान नजर आएगा, क्योंकि गोल्ड इसके पास में ज्यादा हैं, 51 गोल्ड है, 45 यहाँ पर इसके पास में है, पर लेकिन 198 है इसके पास में, और यहाँ पर है 136 ओनली। तो ये बात एक आप लोग जरूर याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में डाल देती है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को एशियन गेम के बारे में पढ़ा था तो कई सारे बच्चों ने उस टाइम पर भी ये डाउट पूछा था। तो ये जो डिसाइड किया जाता है गोल्ड के बेस पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके पास में गोल्ड होंगे उसके उसका ही रैंकिंग में यहाँ पर पोजीशन रहेगी, बाकी के मेडल यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं, ये काउंट होते हैं, तो उससे कितने ज्यादा हो रहे हैं कितने कम हो रहे हैं वो जो इम्पैक्ट नहीं है, पर लेकिन पोजीशन जो रहेगी वो यहाँ पर गोल्ड के बेस पर डिसाइड की जाएगी, ओके। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं काफी कुछ हमारे पास में गोल्ड अच्छे खासे आ चुके हैं, टोटल कितने आ चुके हैं ये आप लोगों के सामने, टोटल आ चुके हैं 15 गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं 15 गोल्ड है टोटल, हमारी कंट्री के 190 कंपटीटर हैं यहाँ पर, 13 स्पोर्ट में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है 72 जो गोल्ड निकल कर आ रहे हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि ये पैरा एथलीट जो है इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती, पर फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे मेडल हम लोग यहाँ पर जीत पा रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग इसको एक समराइज फॉर्म में वहां पर देख सकें, और काफी शानदार तरीके से डिस्कस किया जाएगा, जैसे एशियन गेम के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, ताकि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता लगा सकें, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देखेगा, इसी के साथ में और भी कई सारी 2-3 वीडियो आप लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई है, थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, जल्दी आप लोगों को वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आज की डेट के यहाँ पर हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये है ओपी सिंह रावत। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों के, उसमें शॉर्ट जो न्यूज है हमारी, इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या क्या बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते हैं हमारी कंट्री में, ये आर्टिकल 324 यहाँ पर पावर देता है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि हाँ ये यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करा सके। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट असेंबली और इसके अलावा जो आप लोगों को पार्लियामेंट के देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो ये खासकर अगर बात करें लोकसभा की और राज्यसभा की, ये सारे इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी जम्मू और कश्मीर में लोकल इलेक्शन चल रहे हैं, काफी न्यूज में भी हैं, क्योंकि कई सारी पार्टी के द्वारा स्टार्टिंग में बोल दिया गया था आर्टिकल 35A जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं, उसकी वजह से ये बोला गया था कि हम लोगों क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, क्योंकि इसको बार बार हटाने की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू करने की बात की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि यार लोकल इलेक्शन एक बार को हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप इसको रिव्यू कर लेना, तो इसीलिए यह भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो कई सारी ऐसी बातें यहां पर निकल कर आती है जो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसी बात में ध्यान में रखते हुए यहां पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो यहां पर कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, यहां पर जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो कंडक्ट कराता है, ना कि इंडिया का या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, तो ये याद रखिएगा। अभी 5 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, याद है आप लोगों को, नहीं याद है तो यही याद है तो आप लोगों को ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये 2-3 बार आप लोगों को बताया जा चुका है। एक स्टेट बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट यहां पर अलग से हो सकता है, वो है तेलंगाना। नॉर्मल जो 4 राज्य हैं उनमें शेड्यूल इलेक्शन हो रहे हैं, जिस टाइम पर होने थे उस टाइम पर हो रहे हैं, पर तेलंगाना में अपनी जो असेंबली थी वो थोड़ी पहले ही यहाँ पर भंग कर दी गई इनके द्वारा, इसलिए यहाँ पर इन्हीं के साथ में यहाँ पर इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से एक बन सकते हैं, ये सी विजिल ऐप, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये एक तरीके का एप्लीकेशन है जो अगर आप लोग अपने अपने मोबाइल में इसको अगर इंस्टॉल करेंगे और आसपास में कोई भी आपके एरिया का कोई भी एमएलए जो बनने जा रहा है फ्यूचर, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर यहाँ पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका हनन कर रहा है, यानी कि एक तरीके से जो रूल बन जाते हैं कि हाँ अब इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोगों किसी को किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी स्कीम नहीं चलानी है, किसी को आप लोगों ये नहीं होता, कई बार क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कई के घर में जा जाकर पता नहीं क्या क्या बातें, किसी को मोबाइल गिफ्ट किया जा रहा है, कि महिलाओं को साड़ी गिफ्ट की जा रही है, किसी को सिलेंडर गिफ्ट किया जा रहा है कि हमको वोट देना, तो ऐसी हरकतें अगर कहीं भी देखें तो आप लोग डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस ऐप का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से हल्का सा इसके बारे में याद कर लेते हैं और आप लोगों को इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। और जिस तरीके से मौसम चेंज होते हैं, कई बार ऐसी बीमारी देखने को मिलती है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी आप लोगों को करके यहाँ पर चलना है। राजस्थान गवर्नमेंट में अभी 18% और पाए गए हैं जिनको जीका वायरस है यहाँ पर, ठीक है, तो राजस्थान में ये एरिया है जहाँ पर ये शास्त्री नगर वाला एरिया, खासकर जयपुर में, जहाँ पर कई सारे लोग ऐसे और पाए गए हैं जिनको ये जो यहाँ पर जो इसके सिम्टम पाए गए हैं जीका के, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक डिजीज है जो कि जीका वायरस की वजह से होती है, और खासकर जो मॉस्किटो होता है यानी कि मच्छर होता है उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। देखिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है ना, खासकर इंडिया हो गया, आसपास वाली कंट्री हो गई, पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश वगैरह, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, मच्छर जनित बीमारी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है, साफ सफाई की वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो खतरनाक बीमारी है इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उनको बच्चा होता है और उनको ये इस तरीके कोई यहाँ पर जीका वायरस यहाँ पर फैल जाता है, तो बच्चे का जो साइज है, नॉर्मल साइज बच्चे के सर का ये नजर आएगा, पर लेकिन साइज जो होता है वो छोटा आप लोगों को कम नजर आएगा यहाँ पर। इसकी वजह से जो मेमोरी पावर है बच्चे की वो कम रहती है, इसकी वजह से जो थिंकिंग प्रोसेसर है, और इसी की वजह से कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि माइंड जो होता है वो सिकुड़ जाता है, माइक्रोसिफेली बोलते हैं इसको, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जीका वायरस की वजह से किस बीमारी को फैलाया जाता है और कौन से स्टेट में अभी ये देखने को मिल रही है, ये राजस्थान में। तो ये कुछ कई सारे पॉइंट आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए कई बार न्यूज में आ चुकी है, फर्स्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखकर जरूर चलिएगा। और ऐसी कोई बीमारी होती है तो खतरनाक क्यों होती है, खतरनाक ही होती है क्योंकि इनके लिए कोई प्रेजेंट ट्रीटमेंट नहीं रहता है, ये प्रेजेंट बीमारी जो निकल कर आती है। थोड़ा सा अगर आप लोग अपने आप पे ध्यान रखेंगे तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला एरिया हम लोग देख लेते हैं, सिम्टम्स आप लोग क्या नजर आएंगे, अगर किसी को देखता है फीवर वगैरह हो रहा है, रेसिस वगैरह है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, या रेड आइजेज आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी, तो ये कुछ ऐसे पैमाने हैं कि आप लोगों को देखिए अगर कोई भी ऐसी आज के में बीमारी दिखते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा यहाँ पर कि कभी भी आज के में किसी भी बीमारी को इग्नोर मत कीजिए। जो पहले हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं ना, छोड़ो क्या हो रहा है यार, देख लेंगे, चल जाएगा काम, आज के डेट में वो मत कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिल रहा है तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी आज की डेट में आ चुकी है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए अगर कुछ भी हो रहा है तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। सिम्टम जो है नॉर्मली लास्ट आप लोगों 2-7 दिनों के बीच में यहाँ पर चीजें नजर आएगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है और मच्छर के द्वारा यहाँ पर फैलाए जाते हैं, ठीक है, और देखने को मिलेगा कि इन्फेक्टेड जो है वो मैक्सिमम आप लोगों को नजर आएंगे 1 out of 5% अगर देखने को मिले, तो काफी एक अच्छे लेवल का बोल सकते हैं आप लोग कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बोला जा रहा है कि प्रेजेंट डे कनाडा में ही देखने को मिलेगा, चलिए जो भी है अच्छी बात है, पर ये बातें आप लोग थोड़ी जरूर याद रखिएगा यहाँ पर।
अभी यहां से एक न्यूज निकल कर आ रही है रिसेंटली, अभी क्या हुआ आप लोगों ने सुना होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अच्छा, नेपाल में इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वो नाम लिखिएगा, दूसरा नाम है नेपाल में माउंट एवरेस्ट का। तो यहां पर अभी जो कुछ लोग मारे गए हैं, खासकर नेपाल में माउंट एवरेस्ट नहीं, नेपाल में दूसरे पर्वत पर, तो ये आप लोग याद रखेगा, ठीक है ना। तो ये है गुर्जा, ये माउंटेन है जहां पर दूसरा पर्वत है, यहां पर लोग मारे गए हैं कई सारे, और ये नेपाली और कोरियन लोग थे, 5 तो यहां पर कोरियन लोग थे जो कि यहां पर चढ़ने गए थे इसके ऊपर, और 3 नेपाली लोग थे। तो न्यूज में क्या है, यह है माउंट गुर्जा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री में है, तो नॉर्मली इस तरीके की जो माउंट है इस पर लोग नहीं जाते, माउंटेन पे नहीं जाते हैं, ठीक है, पर लेकिन यहां पर गया गया, ठीक है। इसके अलावा कौन से रीजन में है, तो यह अन्नपूर्णा रीजन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पिक्चर आप लोगों के सामने जहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली, और अगर लोकेशन एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया नीचे हमारा प्यारा भारत, और ऊपर को यहां पर नेपाल दिख गया, ये इस वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है यहां पर, ये काठमांडू हो गई जो इसकी कैपिटल है। तो हल्का सा आप लोग मैप को निहार लिया कीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा माउंटेन का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, अभी आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में साइक्लोन तितली आप लोगों को देखने को मिला, किस वाले रीजन में, ये था उड़ीसा वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, काफी खतरनाक इंपैक्ट डाल रहा था ये। अभी यहां पर साइक्लोन ये है लुबन, इसकी बात की जा रही है, लगभग 130 इंडियन सेलर भी यहां पर निकाले गए हैं, कहां से, ये है सालहा पोर्ट, ठीक है, ये आप लोगों को ओमान में नजर आएगा, ओमान भी बोल सकते हैं या फिर ओमान आप लोग बोल सकते हैं। ये देखिए यहां पर एक रेलवे प्रोजेक्ट भी प्लान किया जा रहा है इन कंट्री को जोड़ने के लिए, ये यहां से होते हुआ इस तरीके से आप लोग देखते हैं, अलग अलग एरिया से जोड़ता हुआ ये इस तरीके से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, जो यहां पर गल्फ रीजन है, पर्शियन गल्फ बोलते हैं और गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं यहां पर इसको, तो इस वाले रीजन की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर जो ये वाला है ये कई बार पूछ लेता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज नाम याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये इस वाले रीजन में ऊपर आप लोगों को ईरान नजर आ रहा है, और यहां पर हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, पता नहीं कितनी बार न्यूज में रहते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा है गद्दार टाइप करके है गद्दार नहीं गवादर, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को याद करना, मतलब कनेक्टिविटी आप लोग जैसे बना पाए तो उसको आप लोग बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया अरबी, ये हो गया यहाँ पर अरेबियन सी, तो इस वाले पर्टिकुलर रीजन में आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया हमारा कंट्री, हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप लोग ये देखने को मिलेगा ओमान, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला, तो याद आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लुबन, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर अलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, एक कुछ हाई कोर्ट हमारी कंट्री में इतने पुराने हैं जो कि काफी पुराने हैं, ठीक है, थीके? तो यहां पर अभी इसकी नई बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई है वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के जो है वेंकैया नायडू जी के द्वारा, तो ये लगभग 150 साल पुराना है। आप लोगों को ये बताना कि इसका गठन कब किया गया था, कुछ हाईकोर्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में याद रखेगा। टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 24 हाईकोर्ट है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 29 स्टेट्स में से 24 हाईकोर्ट है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों, ये कई बार बताया भी जा चुके हैं कि देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका ज्वाइंट हाईकोर्ट आप लोगों को नजर आएगा, कौन कौन से स्टेट है जिनका ज्वाइंट हाईकोर्ट है, यानी कि एक उनका जो हाईकोर्ट है वो दूसरे स्टेट के अंडर में आते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल देखते हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर जिक्र करने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग इसमें थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। देखिए, जब फर्स्ट जनरेशन की बात की जाती है तो उस टाइम पर जो बायोफ्यूल बनाए जाते थे वो जो यहां पर इस तरीके के जो मटेरियल, पहले तो आप लोग टाइम पीरियड देख लीजिए, ये टाइम पीरियड यहां पर चला 2000 से 2010 के बीच में, ठीक है, तो जो यहां पर बायो 2010 से बीच के बीच में चला, यानी कि आप जा चुके हैं। अभी सेकंड जनरेशन की बात की जा रही है, तो सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल बनाया जा रहा है वो यहां पर है, आने वाले टाइम में थर्ड जनरेशन और फिर फोर्थ जनरेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन जो नॉर्मली बनाया जाता है ये इडेबल जो यहां पर जो मटेरियल होता है उससे बनाया जाता था, सेकंड जनरेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉन इडेबल, यानी कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है, आने वाले टाइम में ये एल्गी देखने को मिलेगा जो यूज किए जाएंगे या कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर नेक्स्ट जो होगा वो इसके भी अलग लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बायोफ्यूल जो बनाया जा रहा है इसकी कई सारी चीजें आप लोगों यहां पर नजर आएंगी, इसके पीछे कई सारे टारगेट रहते हैं और कई सारी बातें की जा रही हैं। तो हमारी कंट्री का फर्स्ट सेकेंड जनरेशन जो इथेनॉल बायोफ्यूल जो रिफाइनरी देखने को मिलेगी ये उड़ीसा में 2020 तक बनाने की इसको बात की गई है। कौन बनाएगा इसको, ये है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL जिसको बोला जाता है। एस्टिमेट ये लगाया गया कि 100 करोड़ तक यहां पर इसको बनाया जाएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कल डिस्कस किया था एक क्वेश्चन वाले वीडियो में, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चला कीजिए साथ साथ में, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को वही फायदा पहुंचाने वाली है जितना आप लोग प्रैक्टिस उसको कर पाएंगे, ठीक है।
इसी के साथ में जो यहाँ पर रहेगा, ये जो जो यहाँ पर जो करेगा इसकी कैपेसिटी, ये 3 करोड़ लीटर फ्यूल इथेनॉल एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। और किससे ये करेगा? रो स्टो, ये यहाँ ये राइस स्टो, यानी कि कहने का मतलब ये जो चावल का जो अवशेष बच जाता है यहाँ से चावल निकालने के बाद में राइस, तो इसके यहाँ पर ये अवशेष यहाँ पर यूज किया जाएगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो रहेगा ये लगभग लगभग जो बात बोली जा रही है 2 लाख एनुअली यहाँ पर ये राइस का स्टोर यूज करेगा। और कहाँ से आएगा? ये आसपास वाले एरिया से निकल कर आएगा, तो इसलिए आसपास वाले एरिया को एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा और खासकर उनकी इनकम भी आप लोगों को ज्यादा नजर आएगी। लिक्विड जो रहेगा यहाँ पर 0 लिक्विड डिस्चार्ज रहेगा, यानी कि खुद का ही ये रिसाइकिल करता रहेगा, जो खराब पानी रहेगा उसको स्वच्छ करेगा और फिर से अपने आप ही उसको यूज करेगा। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और ये क्या यूज होता है इसका फिलहाल की डेट में? जो डीजल पेट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा उनमें इनको मिक्स किया जाता है, और इसकी वजह से जो उनकी जो एक तरीके से ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो एक पोल्यूशन फैलाने वाली उनकी प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है। अभी उड़ीसा में आने वाले टाइम में आप लोगों को ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, ये भी टारगेट है। अभी का ये टारगेट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेगा, जो यहाँ पर टारगेट लगाया जा रहा है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाती है 2030 तक, यानी कि अगर यहाँ पर पेट्रोल है तो उसमें लगभग 80% पेट्रोल देखने को मिलेगा और 20% ये टोटल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने आएगा। इससे काफी कुछ देखने को मिलता है जो कि आज की डेट में 3 से 4% है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ये जनरेशन कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया पता होना चाहिए, ओके। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आज आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेक्चर आने वाले हैं, तो उनके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो पहले हम लोगों ने यहां पर कोटेशन देखी, फिर हम लोगों ने यहां पर वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के बारे में देखा, इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के बारे में भी जाना, एशियन गेम ये इस पैरा एशियन गेम के बारे में हम लोगों ने देखा यहां पर। नेक्स्ट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना, क्या क्या बातें बोली गई हैं, और एक ऐप के बारे में भी जाना, एक बीमारी जो कि जीका वायरस है उसके बारे में जाना और किस तरीके से फैल रही है और क्या कंडीशन है ये देखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला ये साइक्लोन के बारे में, जो कि खासकर लेबिनन वाले ये यहाँ खासकर ओमन वाले रीजन में है और लुबन है इसका नाम, ठीक है, तो याद आप लोग रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के सामने था ये हम लोगों ने देखा एक माउंटेन के बारे में जिसका नाम है गुर्जा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, एक नई रिफाइनरी बनाने की बात की जा रही है उड़ीसा और आने वाले टाइम में और भी कई एरिया में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, और रिविजन अपना करते रहिए और खुश रहिए, टेंशन नहीं लिया करते। टेंशन लेकर अगर भला होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन लेने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा परेशान होता, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।